हेलो एंड वेलकम टू ऑल माइटी नेचर लाइफ ट्रेजर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वार्म वाटर या जिसे गर्म पानी कहते हैं, इसे पीने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें कितनी सारी बीमारियों से राहत मिलती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर इसे पीते हैं तो आप कितनी अवधि में कौन सी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ऑल माइटी नेचर लाइफ ट्रेजर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे क्लिक करें, साथ ही में जो उसके बाजू में बेल आइकन आएगी उसे भी हिट कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को इन जानकारियों का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही दोस्तों आपकी और भी कोई हेल्थ रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जापानी डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में गर्म पानी 100% प्रभावी है, जैसे कि माइग्रेन, लो बीपी, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द, दिल की धड़कन का अचानक से तेज़ हो जाना या कम हो जाना, मिर्गी जैसी समस्या, सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल, खांसी, पुरानी खांसी, जी मचलना, अस्थमा, नसों की रुकावट, यूटेरस एवं यूरिन संबंधित रोग, पेट की समस्याएं जैसे कि पेट का साफ ना होना, भूख की कमी, आँख, कान और गले से संबंधित सभी बीमारियां, इन सभी में गर्म पानी बहुत ही लाभदायी होता है। यह बात जापानी डॉक्टर्स के एक समूह ने अपने रिसर्च में पाई है। तो अब हम देखेंगे कि इस गर्म पानी का प्रयोग हमें किस तरह से करना है। तो सुबह जल्दी उठे और टॉयलेट जाकर आने के बाद लगभग 4 गिलास गर्म पानी, मतलब 1 या 1.25 लीटर पानी आप पिए। शुरू में 4 गिलास पानी आपको पीने में असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी आदत बना लेंगे। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप नोट कर ले, गर्म पानी का मतलब चाय की तरह गर्म पानी आपको नहीं पीना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसे आप को पीने में असुविधा ना हो, और इसे पीने के बाद 45 मिनट के अंदर कुछ खा ले। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया दोस्तों, अगर इस पानी को पीना आप शुरू कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य समस्याएं उचित अवधि के भीतर हल हो जाएगी। 30 दिनों में डायबिटीज़ पर इसका प्रभाव देखने मिलता है, 30 दिनों में बीपी पर इसका प्रभाव देखने मिलता है, 10 दिन में पेट की समस्याएं एवं जो अनवांटेड चर्बी जमी हुई है वह भी खत्म होती हुई आपको नज़र आएगी, 9 महीनों में सभी प्रकार के कैंसर में इसका प्रभाव देखने मिलता है, 6 महीनों में नसों की रुकावट में काफ़ी कमी नज़र आएगी, 10 दिनों में भूख की कमी दूर हो जाएगी, 10 दिनों में यूटेरस और यूरिन संबंधित रोग में इसका प्रभाव देखने मिलेगा, 10 दिनों में नाक, कान और गले की समस्याओं में इसका प्रभाव देखने मिलता है, 15 दिनों में महिला संबंधित रोग, मासिक चक्र में दर्द या तकलीफ में काफ़ी लाभ देखने मिलता है, 30 दिनों में हृदय रोग की बीमारी में इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने मिलता है, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या में भी लाभ दिखता है, 4 महीनों में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी नज़र आती है, 9 महीनों में लगातार मिर्गी और पक्षपात जैसी समस्याओं में सुधार दिखता है, 4 महीनों में अस्थमा जैसी बीमारी में भी काफ़ी लाभ नज़र आता है।
तो देखा दोस्तों, आपने केवल गर्म पानी का प्रयोग आप प्रतिदिन करते हैं तो कितने सारे बीमारियों से आपको निजात मिल सकता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ठंडा पानी पीने के क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखे, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।